लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी ने जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके गुर्गों पर पीटने और धमकाने का आरोप लगाया है। यह मामला देवरिया जिला जेल का है। साथ ही रविवार की रात में जिलाधिकारी अमित किशोर और एसपी एन कोलांची ने जिला जेल में छापेमारी की। इस मामले में कारोबारी मोहित जायसवाल ने कृष्णानगर थाने में अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मोहित का आरोप है कि बाहुबली नेता अतीक अहमद ने उसे जेल में लाकर फर्जी तरीके से 45 करोड़ की जमीन बैनामा कराई। जेल का निरीक्षण मेरे और एसपी साहब और डिस्ट्रिक्ट जज साहब के द्वारा, उसके अतिरिक्त हम लोग भी आते रहते हैं निरंतर, ये है। लेकिन अखबारों के माध्यम से आज एक जानकारी हुई है और एक संवेदनशील प्रकरण था, उसी क्रम में हम लोग आए हैं यहाँ और भारी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स और सारे बैरिक्स की तलाशी की गई है। और इसमें एक महत्वपूर्ण इशू है कि जो कुछ सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, उसको हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है। उसके अतिरिक्त इसमें जो डीआईजी प्रेजेंस है गोरखपुर के, वो अलग से जांच कर रहे हैं। मेरे द्वारा भी एडीएम प्रशासन, एसडीएम सदर, सीओ सिटी और डीआईओ एनआईसी के उसमें एक कमेटी बना दी गई है, वो एक एक पहलू पे जांच करेंगे और कल शाम तक मुझे उसकी रिपोर्ट देंगे। क्या जो सीसीटीवी में जो छेड़छाड़ हुई है उसमें क्या जेल अधीक्षक के ऊपर कार्रवाई भी होगी? अब मैंने बताया कि उच्च स्तरीय इसमें जेल विभाग के द्वारा भी एक कमेटी गठित कर दी है, मैंने भी गठित कर दिया है और अभी प्रथम दृष्टिया जो है वो कुछ रिकॉर्डिंग्स उसमें नहीं पाई गई हैं। तो हर पहलू पे जांच होगी और जांच के बाद जो है कल फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। सर क्या कुछ मिला है? कुछ मिला है सर? इसमें कुछ खाने का सामान जो है कुछ बैरिक्स में अतिरिक्त मात्रा में था, तो उसको सीज करके जेल अधीक्षक को दे दिया गया। उसके अतिरिक्त बहुत गहन छानबीन की गई, बहुत सारे कैदी सो चुके थे, तो लेकिन ऐसा अभी कुछ मिला नहीं है।